अब हम लोग गर्दन के अभ्यास से सूक्ष्म व्यायाम का बहुत पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास करने से कभी भी गर्दन में दर्द नहीं, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस नहीं। बहुतों को देखे ना, गर्दन में दर्द हो जाता है तो ये कैसे ना बेल्ट लगा के घूमता है, अब ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। तो आइए अब इसमें धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, फिर सांसों को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, धीरे धीरे अभ्यास। फिर सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी को सीने में सटाइए, फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे। अब सांसों को भरते हुए सीधे हो गए, अब सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए ऐसे, फिर सांसों को भरते हुए सीधा, फिर छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ, फिर सांस को भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाईं तरफ। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, घोड़ा खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसका समय पर कब ओवरवाइलिंग करवाना है, कब सर्विसिंग कराना है याद रखते हैं, किन किन जोड़ों में तेल मारना है वो याद रखते हैं। लेकिन जिस शरीर से सारे संसाधन इकट्ठा करते हैं उस शरीर का कभी भी हम लोग सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं। यही सर्विसिंग हो रहा है छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा, एक एक जोड़ों पर अभ्यास करते हुए। और फिर इसको दाहिनी तरफ से सांस को छोड़ते हुए पीठ को देखना, फिर सांस भरते हुए सीधा, सांसों को छोड़ते हुए बाईं तरफ से भी पीठ को देखिए। बहुत अच्छा अभ्यास, दो दो बार कर लीजिए। अब इसको गोल गोल घुमाते हैं गर्दन को, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करिएगा, नए नए भाई को कभी कभी चक्कर जैसा महसूस हो सकता है इसमें, तो या तो आंख बंद करके करें, फिर उल्टा कर लीजिए। बहुत लाभकारी अभ्यास। अब इसको धीरे धीरे रोकते हैं और आंख को बंद रखिए, अभी दो चार बार धीरे धीरे सांस भरिए। जब आपका शरीर मन नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, तब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, तो चक्कर कभी